हेलो एवरीवन, नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मटर पनीर की बहुत ही बढ़िया रेसिपी और अपने कुछ सीक्रेट मसालों के साथ। तो वीडियो को फ्रेंड्स पूरा पूरा जरूर से देखिएगा, अदरवाइज आप उस सीक्रेट मसालों को मिस कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी हम रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं तो अक्सर वहाँ पे ऑर्डर करते हैं मटर पनीर, और मटर पनीर हर किसी का फेवरेट ही होता है। फिलहाल तो मटर का सीजन चल रहा है, फ्रेश मटर मार्केट में अवेलेबल है। पनीर तो हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हेल्दी होता है, बच्चों का फेवरेट होता है। अक्सर ढाबा में जब भी हम किसी भी सब्जी को ऑर्डर करते हैं तो उसका एक स्मोकी फ्लेवर होता है। तो आज जो मैं मटर पनीर बनाने जा रही हूँ वो बिल्कुल देसी स्टाइल में, देसी अंदाज में बनाने जा रही हूँ, क्योंकि आज का जो हमारा मटर पनीर है वो चूल्हे में पकने वाला है और वो बहुत ही बढ़िया बना है। फ्रेंड्स, चूल्हा अगर अवेलेबल ना हो तो भी आप इस मेथड को लेकर के अगर चलेंगे और मटर पनीर को बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छी लगती हो तो आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। तो कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए मुझे कि रेसिपी कैसी लगी है। फ्रेंड्स, और मुझे पता है कि ये मटर पनीर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है, तो इसे प्लीज 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 शेयर जरूर से करें। और मेरे साथ चैनल पे बने रहने के लिए, अलग अलग ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर से दबा दें, ये बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैं बनाती हूँ मटर पनीर। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी मटर पनीर कितनी बढ़िया दिख रही है, खाने में भी ये उतनी ही ज्यादा टेस्टी है, बहुत ज्यादा लाजवाब है। आप एक बार इस तरह से जरूर से मटर पनीर बना करके देखिएगा। ढाबे में जिस तरह से मटर पनीर मिलता है ना, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि हमने इसे बनाया है बहुत ही बिल्कुल देसी स्टाइल में, देसी अंदाज में। चूल्हे पे बना हुआ मटर पनीर है तो खाने में तो अच्छा होगा ही। यहाँ पे ये होममेड पनीर है फ्रेंड्स, तो घर पे ही आप एकदम प्योर पनीर किस तरह से बना सकते हैं इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपकी मटर पनीर की जितनी क्वांटिटी है उस हिसाब से आप यहाँ पे काट लेंगे टमाटर, प्याज और लहसुन को, और उसे बॉइल्ड पानी में डाल देंगे, थोड़ा सा उबाल आने देंगे। इसे हमें कच्चा पक्का ही रखना है, आप चाहो तो इस मेथड को ऑयल में भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी में मटर डाल दिया है, इसे भी हम हाफ बॉइल्ड ही करेंगे, कच्चा पक्का सा रखेंगे। पानी के अंदर एक चम्मच चीनी जरूर से डालना है और थोड़ा सा नमक डालना है, जिससे मटर का टेस्ट और कलर एकदम बेहतरीन बना रहे, तो इस टिप्स को आप जरूर से फॉलो करिएगा। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, यहाँ पे पानी थोड़ा सा बॉइल हो जाएगा, उसके अंदर हमने डाल दिया है कुछ लहसुन की कलियां, मोटे टुकड़ों में कटे हुए प्याज, और हमने डाल दिया था उसमें टमाटोज, वो सब हमारी पक चुकी है। अब हम एक मिक्सी के जार में इसे निकाल लेंगे इस तरह से। अब आप इस पानी को चाहो तो अपने सब्जी में जब हम मटर पनीर बनाएंगे तो उसमें यूज कर सकते हैं। इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, इसके अंदर हम डाल देंगे तेज पत्ता और दालचीनी के थोड़े से टुकड़े। यहाँ पे आप किसी भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। जब तक ऑयल गर्म होगी हम मसालों को पीस लेंगे, और मसालों को पीसने के लिए प्याज, लहसुन और टमाटर जो हमने उबले हुए लिए थे उसमें तेज पत्ता और दालचीनी के टुकड़े डाले हैं। यहाँ पे हमने ले लिए हैं काजू, तो लगभग हाफ बाउल आपको काजू लेना है, इससे ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बनेगा, साथ ही मटर पनीर बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनने वाला है। अब ऑयल तेल जो है वो गर्म हो चुकी है बढ़िया से, तो इसके अंदर थोड़ा सा ही जीरा डालेंगे, बहुत नहीं डालना है जीरा, और जो हमने मसालों को पीसा था, जो ग्रेवी तैयार की थी, उसे अब हम ऑयल के अंदर डाल देंगे, तेल के अंदर। इसे हमें बढ़िया से भून लेना है। प्याज और टमाटर अच्छी तरह से पका हुआ है इसलिए बहुत ही जल्दी ये मसाले फ्राई हो जाएंगे। इसे थोड़ी थोड़ी देर में लगातार चलाते रहेंगे, और इसके अंदर अब हम डाल देंगे हल्दी। मसालों की क्वांटिटी आप अपने मटर और पनीर की क्वांटिटी के हिसाब से ही बैलेंस करें। यहाँ पे धनिया का पाउडर को मैंने डाला है। धनिया पाउडर डालने के बाद और हल्दी को डालने के बाद एक बार इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया से हमारे मसाले पक रहे हैं। अब हम इसके अंदर डाल लेंगे एक अच्छे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। जब भी हम होटल, ढाबा या रेस्टोरेंट में किसी भी सब्जी को ऑर्डर करते हैं तो उसके जो कलर्स को आप देखते हो कि कलर बहुत ही बढ़िया होता है, तो वो कश्मीरी लाल मिर्च का ही कमाल होता है।
अब जिस जार में हमने मसालों को पीसा था ना, उस जार में हाफ कप पानी डाल लेंगे। आधा कप पानी डालने के बाद जार को अच्छी तरह से घुमा के धो लेंगे और इस पानी को डाल देंगे मसालों में। इससे जो जार में चारों तरफ मसाले लगे होंगे वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएंगे, बर्बाद नहीं होंगे। मसालों को लगातार हमें चलाते रहना है जिससे कि वो जले नहीं। इसके अंदर आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना है, बहुत ज्यादा पानी हमें ऐड नहीं करना है। अभी मैंने इसके अंदर डाल दिया है होममेड गरम मसाला। इस गरम मसाले को मैं घर पे ही बनाती हूँ और ये बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां पे जाके चेक कर लीजिएगा। जब ग्रेवी एक अच्छी सी तैयार हो जाए तो उबले हुए मटर और पनीर को हम डाल देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप चाहो तो पनीर को तल के भी डाल सकते हैं। मैं मटर पनीर को दोनों ही स्टाइल से बनाना पसंद करती हूँ, तल के भी और इसे ऐसे ही डाल देती हूँ। यहाँ पे ये एक बहुत ही सीक्रेट मसाला है जिसे कि अगर आप अपने मटर पनीर में ऐड करेंगे तो आपकी भी मटर पनीर बिल्कुल बाहर की मटर पनीर से भी ज्यादा बेहतर बनने वाली है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपने गरम मसालों के साथ थोड़ा सा डाला है पाव भाजी मसाला और मैगी मसाला। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप किसी भी मसालों का यूज कर सकते हैं, जैसे कि चिकन मसाला। अब हम इसके अंदर डाल देंगे कस्तूरी मेथी। तो इन सारे टिप्स को आप जरूर से फॉलो करते हुए अगर मटर पनीर बनाते हैं तो आपका मटर पनीर बाहर के रेस्टोरेंट, होटल के, ढाबे के मटर पनीर से भी ज्यादा बढ़िया बनने वाला है। स्वाद अनुसार इसके अंदर नमक डाल देना है, तो सॉल्ट ऐड करना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे फेंटी हुई मलाई डालिए या फिर आप क्रीम को डाल दीजिए। दोनों से ही आपकी मटर पनीर की ग्रेवी बहुत ही लाजवाब बनने वाली है, बहुत ही बढ़िया। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो मुझसे तो बिल्कुल भी अब रहा नहीं जा रहा है और मैं चली इसे सर्व करने, सबको खिलाने और खाने। तो आप भी इस तरह से जरूर से मटर पनीर बनाइए फ्रेंड्स। अगर आप विलेज में रहते हैं तो कुछ भी जुगाड़ करके चूल्हा जरूर से जलाइए और इसे चूल्हे में ही बिल्कुल देसी अंदाज में बनाइए और फिर खाके मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर से बताइए कि आपकी मटर पनीर कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स, देखा ना मैंने आप लोगों के साथ कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे टिप्स को शेयर किया है जिससे कि मटर पनीर हमारी बाहर से भी अच्छी और बेहतरीन बनेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट इसका कलर आया है और दिखने में भी ये बहुत ही अच्छा है। तो बस देर किस बात की, फ्रेश मटर भी है और घर पे बनाइए पनीर और इस तरह से मटर पनीर बनाइए और एंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स, आप एंजॉय करिए मटर पनीर को। फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, किसी नई रेसिपी में या फिर किसी नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।